वगैरह चाहे तो टकराना जरूरी है, और जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। कि तेरी नफरतों को प्यार की खुशबू बना देता, मेरे बस में अगर होता तुझे उर्दू सिखा देता। तो हवा के रुख पे छोड़ दे, जलना सीख जाएगा, और ये बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। इन बच्चों को लड़खड़ाने दीजिए, इनको उतरने दीजिए, करने दीजिए जो ये कर रहे हैं। ताऊ जी बैठे हुए हैं, फिरोज भाई बैठे हुए हैं, दहपा का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे बड़े भाई डॉक्टर गुलजार साहब ने एक बहुत शानदार बात कही कि मेरा भी हाल है इस मुल्क में उर्दू की तरह। मुझे डॉक्टर वसीम बरेलवी साहब का एक शेर याद आता है, 8-10 साल पहले जब मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनने की तरफ चल रहा था डॉक्टर साहब, तो मैं तो यूँ कहता हूँ, मैंने जब से उसको सुना तो मैंने बाकायदा उस्ताद जी के पास भी गया सर, और मैंने कोशिश भी करी मैं सीख लूँ, हालांकि सीख नहीं पाया। कि तेरी नफरतों को प्यार की खुशबू बना देता, मेरे बस में अगर होता तुझे उर्दू सिखा देता। तो उर्दू वो भाषा है, वो जुबान है, वो लैंग्वेज है जो नफरतों को प्यार में बदलने की ताकत रखती है। और हमारे बड़े भाई डॉक्टर साहब एक बात और कर रहे थे कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम, मुझे खुशी इस बात की है, मैं इस बात पर फख्र महसूस कर रहा हूँ। आज मैं उस दीन में खड़ा होकर आज बोल रहा हूँ जहाँ डॉक्टर ताहिर फराज ने एक बार कहा था कि हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, हर दर पे झुकना तो मेरा ईमान नहीं है। अल्लाह मेरे रिज्क की बरकत न चली जाए, 2 दिन से मेरे घर कोई मेहमान नहीं है। जिस दीन ने ये सिखाया हो कि अगर हमारे घर 2 दिन से कोई मेहमान नहीं आया तो इसका मतलब ये रिज्क की जो बरकत है ये चली जाएगी। बांटना सिखाया हो, जिसने शेयर करके खाना सिखाया हो, जिसने अपने से पहले दूसरे का सोचना सिखाया हो, आज मैं वहां बात कर रहा हूं, इससे बड़ी फख्र की बात मेरे लिए हो नहीं सकती। अब मैं आता हूं अपनी जो चांद भाई कह रहे हैं तो मैं उस तरफ आता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आप इतनी संख्या में लोग आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे वाला माइक मिल जाएगा सर मुझे, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम बच्चे हैं, कैसे हैं दोस्तों आप? अरे वाह, 2-3 लोगों की आवाज आई है, बढ़िया, जिन्होंने बढ़िया कहा उनके, अरे वाह क्या बात है, जिन 2-3 लोगों की आवाज आई है उनके बड़े एहसान। बाकियों से मेरा सवाल, गैस करिए, अंदाजा लगाइए क्या है मेरे हाथ में, और जनरल नॉलेज तो बहुत बढ़िया भाई आपकी। अच्छा फिर से ध्यान दो, देखो क्या है मेरे हाथ में, नहीं नहीं ये मोबाइल है, अच्छा नहीं है, अच्छा जब मैं कह रहा हूँ ये मोबाइल है तो आप मेरी बात मानते क्यों नहीं, बताओ आपके ऊपर कितने एसी लटक रहे हैं, कितने एसी हैं? अच्छा ये एसी नहीं है, आरी भाई जब मैं कह रहा हूँ ये एसी है तो आप बताओ मेरी बात मानते क्यों नहीं, जब मैं कह रहा हूँ ये मोबाइल है तो आप लोग मेरी बात मानते क्यों नहीं, बताइए। हाँ ये गाजियाबाद वाले हैं सर, कहीं तो मन में ही सोच रहे होंगे फूट थोड़ी नहीं है, ऐसे कैसे मान ले जब है ही नहीं तो है। भाई देखो ये मोबाइल है तो मोबाइल जैसा लगे तभी तो आप मानेंगे, अगर ये एसी है तो एसी जैसे लगे तो सही, और आप लोग बढ़िया है तो बढ़िया जैसे लगो तो सही। आप लोगों ने अपनी आवाज पर गौर किया था, मैंने पूछा कैसे है आवाज, तो मान लो क्या, अभी मैं फिरोज भाई मैं एक सेमिनार में था दिल्ली में, 700-800 लोग सेमिनार हॉल में, मैं भी 700-800 को देखकर चांद भाई ओवर एक्साइटेड हो गया, मैंने सेमिनार में हॉल में घुसते ही पूछा क्या आप जोश में हैं, आगे से आवाज आई यस सर, तो मैंने कहा भाई ये चाइनीज जोश है क्या। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है दोस्तों कि उसूलों पे अगर आ चाहे तो टकराना जरूरी है, और जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। बढ़िया हो तो बढ़िया जैसे लगो, एक बार फिर ट्राई करता हूं, कैसे आप लोग? अब लग रहा है कि दुनिया की भीड़ से निकलकर चुनिंदा लोगों में आ गया हूं, और अब आपकी एनर्जी देख के लग रहा है मैं दहपा के जिंदा लोगों में आ गया हूं। तो चलो जिंदा लोगों, अब आपसे बात शुरू करेंगे। देखिए मुर्दों से तो क्या बात करनी, बात तो किससे करनी चाहिए, जिंदा लोगों से। तो मैं जान, देखो अभी मैं कर क्या रहा हूं, इससे पहले मैं बोलना शुरू करूं, एक टर्म होती है, अभी तो मैं आपकी ना स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट कर रहा हूं, स्टेट ऑफ माइंड समझते हैं, मानसिक अवस्था क्यों क्रिएट कर रहा हूं सुन। देखो मेरा ये मानना है दोस्तों, किसी को कुछ सिखाना ना बॉटल में कुछ डालने की तरह है, और बॉटल में कुछ भी डालने के लिए पहले उसका क्या खोलना पड़ता है, और अगर मैं बिना ढक्कन खोले उसमें कुछ डालने की कोशिश करूं तो सबसे बड़ा ढक्कन कौन नहीं, अरे ऐसा बोलते नहीं, मन मन में सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं क्या है? तो सबसे बड़ा ढक्कन तो कौन हो जाएगा, मैं हो जाऊं, और मैं ढक्कन बनना नहीं चाहता, तो अभी तो मैं क्या खोलने की कोशिश कर रहा हूं, अभी तो मैं माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार माहौल बन जाएगा तब मैं बोलना शुरू करूंगा। स्टेट ऑफ माइंड
क्यों चेक कर रहा हूं मैं स्टेट ऑफ माइंड, क्यों मैं क्रिएट कर रहा हूं स्टेट ऑफ माइंड? हमने देखो स्टेट ऑफ माइंड की ताकत बताता हूं, हम भारतीयों में, हिंदुस्तानियों में डॉक्टर साहब एक ऐसा गुण पाया जाता है जिसमें अमेरिका, ये चाइना, ये रशिया कितना भी अपने आप को सुपर पावर समझ ले, पर ये हम भारतीयों का उस मामले में मुकाबला नहीं कर सकते। और वो गुण कौन सा साहब? कि हम कहीं पर शारीरिक तौर से उपस्थित होते हुए भी वहां से मानसिक तौर से अनुपस्थित हो सकते हैं। ये टैलेंट केवल किसमें मिलता है? और ये उदाहरण समझ में नहीं आया, इससे पता चल रहा है ये बिल्कुल बात सच है। शारीरिक रूप से उपस्थित होते हुए, समझ गए? जरूरी नहीं है दोनों बहनें बैठी हैं तो मुझे ही सुन रही हो, क्या मालूम ये कोहनी मार के पूछ रही हो बहन गैस बंद कराई थी क्या मैं, तो जरूरी नहीं आप यहां हैं तो यहां हो, तो पहले मैं चेक तो कर लूं कि आप यहां हैं भी या। बचपन में हमने गेम खेला था चिड़िया उड़, कौआ उड़, कबूतर उड़, दो तीन लोगों ने खेला है, बाकी जो युगांडा से आए उन्हें बताऊं भारत में खेल खेला जाता है, खेला किसी ने? अच्छा खेला है, हाँ तो बताओ खेला है? कैसे खेलते थे? चिड़िया उड़, कौआ उड़, कबूतर उड़, गाय, सॉरी गाय तो नहीं उड़ती। अच्छा हम में से कितने लोग जानते हैं कि गाय नहीं उड़ती? सब जानते हैं। मेरा अगला सवाल, हम में से कौन है जिसने बचपन में इस गेम में गाय नहीं उड़ाई? सारों ने क्या उड़ाई हुई है? गाय। अब मेरा सवाल बेटा ये है, जब हमको मालूम था कि गाय उड़ेगी नहीं तो फिर हमने इस गेम में गाय कैसे उड़ा दी? अब सुनिएगा बड़े ध्यान से, सामने वाले ने तीन चार चीजें वो बोली जो उड़ती हैं और वो मुझे किसी स्टेट ऑफ माइंड में लेके आ गया उड़ाने वाले, और जब उसने वो चीज बोली जो नहीं उड़ती, पर मेरी जो जहनियत थी, जो मेरी स्टेट ऑफ माइंड थी, वो कौन सी थी? और मैंने कहा है, सवाल ये नहीं है कि आप यहां बैठे हैं, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, जब आप एग्जाम्स में जाएंगे, जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जाएंगे, सवाल ये नहीं है एक साल पढ़ाई कितनी करी, सवाल ये उस एग्जाम के दौरान, उसके परफॉर्म करने के दौरान आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है। अगर आप उस समय अपनी स्टेट ऑफ माइंड बनाए रखे तो फिर समझिएगा कामयाबी मिलने वाली है, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए एक बार मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार आपकी स्टेट ऑफ माइंड चेक कर लूं। डू व्हाट आई से, जो मैं कहूं वो आपको करना है। रेडी? रेज योर हैंड, जो मैं कहूं करना है। टच योर हैंड, टच योर फोरहेड, टच योर नोज, टच योर चिन। ये चिन है, ये तो क्या है? हाँ, 90% बच्चों ने, देखो 10% ने तो चिन को हाथ लगाया, पर 90% ने किसको हाथ लगाया? जो मैंने कहा था, जो मैं कहूं वो करना है, पर आपने क्या किया? जो आप देख रहे थे, जितने बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरा पहला मैसेज, पहले लर्निंग। हमारी बेटा दो तरह की मेमोरी होती है, एक ऑडिटरी मेमोरी और एक विजुअल मेमोरी, मतलब एक वो जो हम सुनकर सीखते हैं और एक वो जो हम देखकर सीखते हैं। कौन सी ज्यादा पावरफुल होती है, सुनने वाली या देखने वाली? जोर से बताइए, सुनने वाली या देखने वाली? देखने वाली। जब आप किसी से 8-10 साल बाद मिलते हैं तो ऐसा बोलते हैं ना कि यार तुम्हारा नाम तो याद है पर शक्ल याद नहीं आ रही, ऐसा बोलते हैं? क्या बोलते हैं फिर? शक्ल तो याद है, शक्ल भी 10 साल पहले देखी थी, नाम भी 10 साल पहले सुने था, पर देखा हुआ आज तक याद है, सुना हुआ भूल। आपको पता है हमारे बच्चे सीख क्यों नहीं पाते क्लास में? क्योंकि हमारे यहां क्लास में लर्निंग कौन सी होती है, देखने वाली है सुनने वाली? टीचर बोलता है और हमें क्या करना है, केवल। लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं अगर आपने उसको विजुअलाइज करना, और पावर बताता हूं मैं आपको, विजुअल मेमोरी की पावर बताता हूं। एक मूवी आई थी शाहरुख खान साहब की, DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इधर वाले लोग बताइएगा मुझे, उसमें एक गाना है, शाहरुख खान साहब खेत में खड़े हुए हैं, खेत में फसल किस चीज की है? कितने साल हो गए सर फिल्म देखे हुए? कितने साल हो गए? 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल वाले भी बैठे होंगे। और अगर मैं पूछ लूं कल क्लास में क्या पढ़ाया था? कल क्लास लगी थी, कल ये भी याद आने में आधा घंटा लग जाएगा, कल क्लास भी लगी थी। आपको 15 साल पुराना देखा हुआ याद है, 15 घंटे पहला सुना हुआ याद नहीं है। जब आप पढ़ने बैठा करो ना बेटा, अगर आप 2 घंटे पढ़ाई करते हैं तो 1 घंटा 40 मिनट पढ़ो और 20 मिनट किताब बंद कर उसको आंख बंद करके विजुअलाइज करो, उसको रिक्रिएट करो, उसके अपने सामने लाओ। मैं चैलेंज करके दे सकता हूं, आप जिंदगी में उस पढ़े हुए को दोबारा कभी भी नहीं भूलने वाले। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? विजुअल मेमोरी, विजुअल मेमोरी पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अच्छा सुनने के महत्व, ऐसा नहीं है सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, सुनना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी डॉक्टर हमारे भाई जी गुलजार साहब जब बोल रहे थे, इवन मैं बोल रहा हूं, जितने भी वक्ता बोलेंगे, पता हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? कि आप सुने या ना सुने। अच्छा बताओ, जब बच्चा पैदा होता है
तो बोलना पहले सीखता है या सुनना? दो तीन लोगों को लगता है सुनना, बाकी घर जाके पूछ के बताएंगे क्या। अच्छा फ्रोसर, मैं एक बात की रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी यहां चांद भाई, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, इन बच्चों को बाकी तो बाद में बनाएंगे हम, पहले इंडियन आर्मी में भेजो, उसका फायदा बताता हूं क्या होगा। मान लो हम इंडिया आर्मी में चले गए, चाइना से हमारा युद्ध हो गया, चाइना वालों ने हमें गिरफ्तार कर लिया, आपको पकड़ लिया, आपको गिरफ्तार कर लिया, और आपसे पूछा बता तेरे साथी कहां छुपे, हथियार कहां छुपे, तो आप क्या कहेंगे? ले, हम वहां नहीं बोले जहां बोलने गए थे, हमने वहां कुछ नहीं बताया, जो सामने वाला इतनी दूर से आके पूछ रहा था हमने उसे जवाब नहीं दिया, तुझे क्या जवाब देंगे। तो कई बार तो आपकी ये सबसे बड़ी खूबी है। पर चांद भाई मैं आपको बता दूं, सतीश भाई आए हुए, मुकुल भाई आए हुए, मैं आपको बता दूं, बच्चे जवाब नहीं दे रहे तो ये मत समझना इन्हें आता नहीं है, ये दहपा के संस्कार हैं, तहजीब है, इन्हें सिखाया गया बेटा बड़ों को कभी जवाब मत देना है? तो इसलिए जवाब नहीं दे, ऐसा मामला है क्या? अच्छा फिर ठीक है, जवाब देते रहिएगा, आप जवाब देते रहिए, तो आपके तहजीब है, संस्कार है। चलिए पॉइंट सुनिएगा, बच्चा जब पैदा होता है बोलना पहले सीखता है सुनना? सुनना। बोलना कितने दिनों में सीखता है? बोलना साल, डेढ़ साल, दो साल। और सुनना कब सीख जाता है बच्चा? पैदा होते ही। पता है मैंने इसे सबक क्या सीखा? मतलब अल्लाह ताला भी ये जानते हैं कि बोले बगैर तो इसका डेढ़ दो साल काम चल जाएगा, पर सुने बगैर डेढ़ सेकंड भी काम नहीं चलेगा। जिस दिन आपने सुनना शुरू कर दिया ना, जिस दिन, और जिंदगी में बता रहा हूं, जितने यहां युवा खड़े हुए हैं, जितने यहां बच्चे बैठे हुए हैं, बेटा जिंदगी में कुछ लोग, बड़ा बारीक सेंटेंस आएगा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, जिंदगी में कुछ लोगों को सुन लो, शब्द पे गौर करिएगा, जिंदगी में कुछ लोगों को सुन लो, ताकि सारी दुनिया की ना सुननी पड़े, वरना फिर सारी दुनिया की सुननी पड़ेगी, रिश्तेदारों की सुननी पड़ेगी, गांव वालों की सुननी पड़ेगी, लोगों की सुननी पड़ेगी, अरे तू कुछ नहीं करेगा जिंदगी में, तू कुछ कर ही नहीं पाएगा, तेरा कुछ नहीं होने वाला। इससे पहले कि दुनिया की सुननी पड़ जाए, इधर बैठे हुए चंद लोगों की सुन लीजिए, आपको दुनिया में कभी किसी की नहीं सुननी पड़ेगी। सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो जितने भी सामने लोग बैठे हैं ना, जब मैं अपना सेशन ही कहां से शुरू करता हूं, मेरे सामने बैठे सारे भगवान सब अल्लाह को मैं नमस्कार करता हूं, मैं सलाम करता हूं, तो लोग मुझसे पूछते हैं, सर आप हमें भगवान क्यों बोल रहे हैं, आप हमें अल्लाह क्यों बोल रहे हैं? तो मैं पूछता हूं, भी मंदिर मस्जिद गए आप? बोले साहब गए हैं। तो मुझे बताइए, जब हम दुआ मांगते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो बोलता कौन है और सुनता कौन है? हम बोलते हैं और सुनता कौन है? अल्लाह। यानी सुनने वाला कौन? अल्लाह। बोलने वाला कौन? हम। अगले एक घंटे सुनेगा कौन? तो आप कौन हुए? भगवान, अल्लाह। हम कौन हुए? हम तो आपके मुरीद हैं, हम तो आपको सुनाने वाले हैं, बशर्ते कि अब देखना यह है कि आप सुनते क्या, सारा खेल किसका है? सुनने का। मेरे एक मित्र हैं किरण मिश्रा जी, एक दिन मुझसे फिरोज भाई बोले, अमर भाई उस दिन पापा जी की बात सुन लेते ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने कहा क्या बोल रहे थे पापा जी? बोले सुनी कहां? बोले मैं अभी तो ये बता रहा हूं, मैंने सुनी नहीं उनकी बात। बेटा जिस दिन आपने इन बड़ों को सुनना शुरू कर दिया ना, उस दिन यकीन जाने दुनिया आपको सुनेगी, जिस दिन आप बड़े हो जाएंगे। और अगर आपने इनको नहीं सुना तो आपको कोई नहीं सुनने वाला। सुनिएगा आप बड़ी दूर से फिरोज भाई, मैं तो आई मस्ट से वन थिंग, फिरोज भाई साहब जिस पोजिशन पे फिरोज भाई हैं, जितना शेड्यूल उनका टाइट है, उसके बावजूद आप यहाँ आए हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये अपने आप में कमाल की बात है, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये आपके लिए मौका है। देखो मैं खुद मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, दो घंटे बोलता हूँ, डेढ़ घंटे बोलता हूँ, पर जब फिरोज भाई यहाँ हैं तो मैं खुद इस चक्कर में हूँ, मैं कम बोलूँ, आज इन्हें सुन के जाऊँ। अरे भाई एक बात तो बताओ, रेहड़ी वाला भी तो माल कहीं से लाता ही होगा, तो हमें भी तो कहीं से माल मिले, जब इन्हें सुनेंगे तभी तो मैं आगे जाके किसी को मोटिवेट कर पाऊंगा इनकी बात। तो मैं आज बहुत ध्यान से सुनने वाला हूँ, जिम्मेदारी आपकी भी है। सारा खेल किसका है? सुनने का। सारा खेल किसका है? तो क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार फिर ट्राई कर लूं, तैयार हैं? तो चलिए आप सुनिए, दो तीन पॉइंट सुनिए। पहला टॉपिक है मेरा पावर ऑफ पर्पस। टॉपिक क्या है पहला? क्या मतलब है? कौन, कोई बताएगा मुझे इसका मतलब क्या समझे? आई बस बहनों की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब आप, मुझे इन बच्चियों को देखकर ऐसा लग रहा है, इनके कॉन्फिडेंस को देखकर ऐसा लग रहा है, इनमें वो जुनून है, वो जज्बा है कि उठ के कोई बताए, बताइए पावर ऑफ पर्पस टॉपिक का मतलब क्या है? कौन बताएगा मुझे पावर ऑफ पर्पस? कुछ भी बेटा क्या है बताओ, वेरी गुड, क्या समझ रहे हो पावर ऑफ पर्पस? उद्देश्य की। क्या नाम है आपका? वंशिका। वंशिका, अगर मैं इनकी जगह होता तो तुम्हारे लिए ताली बजाता बेटा, वेलकम। अच्छा आप लोग भी बजाएंगे? अच्छा वो, अच्छा बच्चों में से कोई बताएगा पावर ऑफ पर्पस माने क्या हुआ? उद्देश्य की, मकसद की ताकत। मतलब जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, जो एग्जाम्स को पढ़ते हैं या किताब पढ़ते हैं, कोई कुछ भी काम करते हैं दुनिया में, मैं हमेशा कहता हूं ताकत इंसान में नहीं,
ताकत उसके मकसद में होती है, ताकत उसके उद्देश्य में होती है। जिसके पास पावरफुल मकसद है, जिसके पास वो सपने हैं, आप यकीन जानिए ताकत इंसान में होती नहीं, उसके मकसद में होती है। और मैं अगले 15 मिनट में ये सिद्ध कर दूंगा कि ताकत इंसान में नहीं, ताकत उसके मकसद में होती है। दोपहर के 12 बजे हैं, आप घर से निकल रहे हैं सब्जी लेने के लिए, आपने सोचा चलो सब्जी ले आता हूं। आप घर से बाहर जैसे ही कदम रखने वाले थे, बारिश शुरू हो गई, आप सब्जी लेने जा रहे हैं, आपने कदम बाहर निकाला, बारिश शुरू हो गई, ना छाता है, ना आपके पास रेनकोट है, आपके पास कोई चीज नहीं है, क्या करने वाले हैं आप? रुक जाएंगे। मेरा सवाल, आपको किसने रोका? जोर से बताइए, आपको किसने रोका? मेरा अगला सवाल, अगले दिन फिर दोपहर के 12 बज रहे हैं, आपके भाई की छुट्टी हुई है स्कूल की, आपके बच्चे के स्कूल की छुट्टी हुई है, आपका भाई आपका बच्चा स्कूल के बाहर खड़ा हुआ है, आप उस बच्चे को लेने जा रहे हैं, उस भाई को लेने जा रहे हैं, आप अपने घर से बाहर कदम रखते हैं, बारिश शुरू हो गई, रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे। बारिश नहीं हो रही क्या? अच्छा बारिश तेज पड़ने लगी, अब तो रुकोगे? अच्छा आंधी आ गई, अब तो रुकोगे? अच्छा सुनामी आ गई, अब तो रुकोगे? क्यों नहीं रुकोगे? क्यों बारिश नहीं पड़ रही क्या? बेटा अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दीजिए, हमें बारिशें नहीं रोकती, हमें रोकते मकसद। अरे जब घर से निकलने का मकसद ही टिंडे लेने जाना है ना, तब बारिश तो छोड़ दो, तुम्हें तो बूंदाबांदी रोक लेगी। और जब घर से निकलने का मकसद बालक लेने जाना है ना, उस बच्चे को लेने जाना है, तो बारिश की जा। देवबंदी साहब का एक शेर है, उस मुझे वन ऑफ माय फेवरेट शेर है कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। जब आपके पास मकसद है ना घर से निकलने के, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। सारा खेल किस्मत, ताकत इंसान में है ही नहीं, ताकत है उसके मकसद में। सर नाम क्या आपका? सर मोहम्मद भाई, कितना वेट उठा लोगे, वजन कितना उठा लोगे? 35 किलो। 35 किलो, बहुत बढ़िया मोहम्मद भाई, थैंक यू साहब। साहब कितना वजन उठा लेंगे? 35 उठा उठा के लेके आए। अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है। भाई साहब क्या नाम है आपका? आदर्श। आदर्श कितना वेट उठा लोगे? 30 के। कोई 35 से ऊपर वाला है? अच्छा ना, वैसे 35 से काम चला लेंगे हम तो, हम तो चला लेंगे। आपका नाम क्या है? हैदर अली साहब। मोहम्मद भाई कह रहे हैं 35 किलो। ताऊ जी, मैं ताऊ जी 50 ठा लेंगे, मालिको तन नक्तर। मैं ताऊ जी मोहम्मद जी एआई मार तो कह रहे हैं पुराना घी पुराना ही हो रहे हैं। क्या बात है ताऊ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। खैर मोहम्मद भाई कह रहे हैं 35 किलो है जी। हाँ हाँ बैठ लेंगे। अच्छा इन बच्चों में एनर्जी इतनी होती है इन बच्चों को ना, डॉक्टर गुलजार साहब को समर्पित उनको पेश कर रहा हूँ। इन बच्चों को देख के मुझे याद आ गया, हवा के रुख पे छोड़ दे जलना सीख जाएगा, और ये बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। इन बच्चों को लड़खड़ाने दीजिए, इनको उतरने दीजिए, करने दीजिए जो ये कर रहे हैं। आपको सही बताऊँ चांद भाई, आपसे भी मैं ये कह रहा हूँ चांद भाई, कई बार जब इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं ना और बच्चे डिस्टर्ब कर रहे होते हैं तो हमें लग रहा है बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, यार छोटे बच्चे क्यों बुलाए थे। और यही सबसे बड़ी गलती है। एक फकीर एक गांव में पहुंचा सर, मांगते हुए। उसने कहा बेटा कुछ दे दो, तो अंदर बच्चा बैठा हुआ था, बोला बाबा घर पे कुछ नहीं है, कोई है ही नहीं घर पे, खाने के लिए कुछ है ही नहीं। अरे बोले बेटा बाहर तो आ। अरे बोले बाबा है ही नहीं कुछ, बाहर आ गया क्या करूंगा। अरे बोले बेटा बाहर तो आ। और बोला वो झुंझलाते हुए बाहर आया, अरे बाबा सच में कुछ नहीं है घर पे, क्या दूं मैं। बाबा बोले बेटे ये फकीर बोले मिट्टी पड़ी थी, कच्चा मकान था, बोले मिट्टी उठा के दे दे। बारीक उदाहरण पर आप समझ जाओगे देहपा वाले आप लोग। उसने कहा पागल आदमी है यार, मिट्टी का क्या करेगा। खैर उसने एक मुट्ठी मिट्टी उठा के दे दी और वो फकीर लेके चल दिया। उनके साथ उनका जो चेला था, उनके साथ जो शिष्य था, उसका दिमाग खराब। चार कदम चलते ही उसने फकीर से बाबू अपने उससे पूछा, गुरुजी ये क्या था उस्ताद, ये क्या था, आपने मिट्टी क्यों नहीं, इस मिट्टी का क्या करोगे। फकीर का जवाब सुनिए, बोला बेटा मैंने इसे देने की आदत डाल दी, आज इसने मिट्टी दी है कल को ये खाना भी देगा जब घर में खाना होएगा। अगर आज ये अंदर बैठा बैठा ये बोल जाए ना कि कुछ भी नहीं है, तो अगली बार घर में भी होता तो टीवी देखते हुए क्या बोलता,
कुछ भी। आपने इन बच्चों को ऐसे प्रोग्राम में आने की आदत डाल दी, आज ये जबरदस्ती आए हैं, आज ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगली बार ध्यान से सुनेंगे, पर सुनेंगे कब, जब उनको आदतें डाली जाएं। तो ये मैं सैल्यूट करता हूं इस बात के लिए। इवन जब मैं अपने गांव में प्रोग्राम करता हूं ना, तो हम गलती क्या कर देते, मैं यहीं से सबक लेके जा रहा हूं, चांद भाई, धीरज भाई, आरिफ भाई, मैं यहां से सबक लेके जा रहा हूं कि इतना छोटा बच्चा भी हो तो हम ये सोचते हैं कैसे सुनेंगे, इसके काम का क्या है। सवाल ये है, गुलजार साहब आदत डल गई तो मैं बच्चों का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। पॉइंट मेरा चल रहा था, ताकत इंसान में नहीं है, ताकत उसके। मोहम्मद भाई कह रहे मैं 35 किलो उठा लूंगा, हैदर भाई कह रहे 30 किलो उठा लूंगा, आदर्श कह रहे मैं 40 किलो उठा लूंगा, मैं अमर चौधरी कह रहा हूं 70 किलो उठा लेंगे, ताऊ जी कह रहे 50 किलो। हमें अपना मैक्सिमम लगता है 30, 35, 40, 50 और 70। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, रात को भूकंप आया, उस के हम पांचों का सगा छोटा भाई दब गया, और उस पत्थर का वजन जिसके नीचे हमारा सगा छोटा भाई दबा है, हमारे द्वारा बताए गए वजन से 20-20 किलो ज्यादा है। आप में से कितनों को लगता है कि हम वो पत्थर उठा लेंगे, वो वजन उठा लेंगे? कितने लोगों को लगता है? कैसी बात कर रहे हो आप? अभी तो ये कह रहे 30 उठाऊंगा, 35 उठाऊंगा, 50 उठाऊंगा, 70 उठाऊंगा। बेटा जिंदगी में फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि पत्थर में वजन कितना है, फर्क इससे पड़ता है कि नीचे कौन दबा हुआ है। जिंदगी में इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि मुश्किलें कितनी बड़ी हैं, चुनौतियां कितनी बड़ी हैं, दिक्कतें कितनी बड़ी हैं, एग्जाम कितना मुश्किल है। फर्क इससे पड़ेगा कि तुम्हारे सपने कितने बड़े हैं, तुम्हारे मकसद कितने बड़े हैं, तुम कितने अपनी मकसद से जुड़ाव रखते हो। आपके सामने तो जिंदे साक्षात सबूत बैठे हुए हैं। क्या उतना ही मुश्किल एग्जाम फिरोज सर के लिए नहीं रहा होगा? क्या उतनी ही चुनौतियां फिरोज भाई के लिए नहीं रही होंगी? पर उनके पास मकसद था, इतना बड़ा मकसद जो चुनौतियों से भारी पड़ जाए। सारा खेल में तो मानता हूं किसका, चुनौती का है। रात के 10:30 बज रहे हैं, आप गाजियाबाद में से कहीं से गुजर रहे हो, अंधेरे का टाइम है, आप गली में से जा रहे हो, अंधेरा हो रहा है, दो लोग कनपटी पे पिस्टल रखते हैं और आपसे बोलते हैं तेरे पास जो कुछ है हमें दे दे, और आपकी जेब में 1500 रुपए हैं, क्या करने वाले आप? दे देंगे। मेरा सवाल, क्यों दे दिया आपने, क्यों दे दिया आपने? उसके हाथ में क्या है? पिस्टल है, अंधेरे का टाइम है, आप कमजोर हैं, गोली ले रहा भी मार देगा, मर जाएंगे तो क्या होएगा? अगले दिन आप उसी गली से गुजर रहे हैं, रात के 10 बज रहे हैं, आपकी गोद में आपका छोटा बेटा है, बच्चा है, वही दो लोग कनपटी पे पिस्टल रखते हैं, अपना बच्चा हमें दे दे, दे देंगे आप? क्यों? उनके हाथ में पिस्टल नहीं है, अंधेरे का टाइम नहीं है, जान का खतरा नहीं है। भैया जिंदगी में फर्क इस आवाज से नहीं पड़ता उसके हाथ में क्या है, फर्क इससे पड़े तुम्हारी गोद में क्या है। अफसोस इस बात का, इन आंखों में सपने ही नहीं है। अफसोस इस बात का, मुझसे फिरोज भाई किसी ने एक बार ये पूछा कि भैया, जब मुझे स्टूडेंट्स ने एक सवाल पूछा कि सर जब हम पढ़ने बैठते हैं ना गुलजार सर, फिरोज सर, चंद भाई, कि हमें नींद आने लगती है, क्या करें? मैंने क्या होता है? बोले सर 8 बजे पढ़ने बैठता हूँ, 8:15 तक तो नींद आने लगती है। मैंने कहा एक काम कर, जहां तू पढ़ने बैठता ना, उस टेबल के सामने अपने सपने लिख, अपने मकसद लिख, अपना उद्देश्य लिख, और बिल्कुल सामने लगा ले उसे पेपर पे। तो मैंने कहा 8 बजे से 10 बजे तक तो तुझे तेरे सपने नहीं सोने देंगे, तेरा मकसद नहीं सोने देगा, और 10 बजे जैसे ही नींद आए तो छत पे अपने माँ बाप का सपना लिख कि सुबह पापा जी निकलते हैं काम पे, खेत पे जाते हैं, मम्मी सारे दिन काम में लगी रहती है, पर मुझे पढ़ा रहे हैं, मेरी जिंदगी में ये कर रहे हैं, मेरी जिंदगी में वो कर रहे हैं, मेरे पापा इतनी मेहनत करते हैं। मैंने कहा देख सुन, 8 बजे से 10 बजे तक तो तुझे तेरे सपने नहीं सोने देंगे, और 10 से 12 बजे तक तुझे तेरे मम्मी पापा के सपने नहीं सोने देंगे। और मैंने कहा अगर ये दोनों चार्ट लगा के भी तुझे 8 बजे नींद आ जाए ना, तो मैंने कहा बेटा अब तू 7 बजे ही सो जाना, तुझे अब एक बार भगवान ही उठाएंगे, तुझे कोई नहीं उठा पाएगा। जिसके नहीं, जिसे उसके सपने नहीं उठा पा रहे, जिसे उसके वालिदैन के सपने नहीं उठा पा रहे, उसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर उठा लेगा क्या? उसे तो या तो 4 आदमी उठाएंगे या अल्लाह ताला उठाएंगे, इसे और कोई नहीं उठा पाएगा, भगवान उठाएगा उसे। तो फिर तो अपने सपने इतने पक्के कर लीजिए, आपको अपने सपनों पे काम कर रहा है। मेरा फेवरेट एग्जांपल आपसे देता हूं, जब कॉलेज में मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि सर हम कामयाब हो जाएंगे क्या, पावर ऑफ पर्पस बता रहा हूं मैं आपको, पावर ऑफ, यहां जितने भी बच्चे बैठे हैं, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं जिंदगी में, अपने आप से पूछिएगा कि आपके पास इतना मजबूत पर्पस है क्या, इतना बड़ा उद्देश्य है। जब मुझसे ये सवाल पूछा जाता है ना कि सर हम कामयाब हो जाएंगे क्या, तो मैं भाई जी पलट के वकील साहब कभी भी इस सवाल का जवाब नहीं देता मुकुल भाई, मैं पलट के 3 सिचुएशन देता हूं, आदर्श और मोहम्मद भाई, इन दोनों ने सोचा चलो यार लंच ब्रेक हुआ है, चलो चाय पीने चल रहे हैं, ये चौराहे पर पहुंचे, पता चला दंगे हो गए, कर्फ्यू लगा हुआ है, पुलिस ने रास्ते बंद कर दिए, और ये दोनों चाय पीने जा रहे हैं, क्या करोगे?
जान में खेल जाओगे और चाय तो पी जाओगे, आदर्श क्या करोगे? हाँ वापस आ जाएंगे, भाड़ में जाओ, हम तो घर पी लेंगे। सिचुएशन नंबर टू, आपने यूपी सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा हुआ है, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आज आपका एग्जाम है, आप अपने घर से एग्जाम देने के लिए निकले हैं, चौराहे पर पहुंचे, दंगे हो गए, कर्फ्यू लगाए, पुलिस ने रास्ते बंद करे हुए हैं, आपको क्या लगता है क्या करेंगे? अच्छा जाएंगे एक गली में घुसेंगे, उसमें भी रास्ता बंद है, दूसरी गली रास्ता बंद, तीसरी गली रास्ता बंद, चौथी गली रास्ता बंद, पांचवी गली में पता चला पुलिस ने देखते ही गोली मारने के आदेश दिए। हो सकता है आप वापस आ जाए, पर ध्यान दीजिए अब की बार इन्होंने चार पांच गलियों में ट्राई मारी है। सिचुएशन नंबर थ्री, आपके पापा जी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, मेरे पापा जी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, मैं उन्हें ब्लड देने जा रहा हूं, मैं अपने घर से बाहर निकला, आप अपने घर से बाहर निकले, चौराहे पर पहुंचे, दंगे हो गए, कर्फ्यू लगा, पुलिस ने रास्ते बंद किए, देखते ही गोली मारने के आदेश दिए, क्या करेंगे? वापस आ जाएंगे, पापा जी को तो अगले जन्म में देखेंगे, अगली बार ऐसा करेंगे क्या? क्या करेंगे आप? आप इंस्पेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, आप डीएसपी साहब के पैर पकड़ेंगे, आप डीएम साहब से नाक रख देंगे, आप सीएम हेल्पलाइन में फोन करेंगे और फिर भी परमिशन नहीं मिली तो आप बोलेंगे मार दे गोली, जाऊंगा तो जरूर, जाऊंगी तो जरूर। जब कोई बच्चा मुझसे ये पूछता ना सर मैं कामयाब हो जाऊंगा क्या, तो मैं पलट के उससे पूछता हूं, पहले ये बता तेरे सपनों की, तेरे मकसद की, तेरे उद्देश्य की, तेरी नजरों में वैल्यू कितनी है? अगर आपकी नजरों में आपके सपनों की वैल्यू चाय के बराबर है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, अगले ही दिन हमें कामयाब होंगे, इसमें तो भूल जाइए। अगर आपकी नजरों में आपके सपनों की वैल्यू, अगर अपने मकसद की उद्देश्य की वैल्यू उस एग्जाम के बराबर है तो हो सकता है आप 2-5 साल में कामयाब हो जाए या ना भी हो, पर मैं लिख के देके जा रहा हूं दोस्तों, अगर आपकी नजरों में आपके सपनों की वैल्यू, आपके मकसद की वैल्यू पापा जी के बराबर है तो पार्डन माय लैंग्वेज, किसी के पापा जी भी आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकते। सवाल ये है आपकी नजरों में आपके सपनों की वैल्यू कितनी है, आपकी नजरों में आपके सपनों की मकसद की उद्देश्य की वैल्यू क्या है। जिस दिन आपके पास वो सपने आ गए, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब नहीं होने से रोक सकती। अब मैं आप जितने बच्चे बैठे हैं, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्या आज के बाद मुझे जवाब दीजिएगा, क्या आज के बाद आपके सपने बड़े होने वाले हैं? एक बार फिर ट्राई करते हैं, बड़े होने वाले हैं? चुनौतियां फिर भी आएंगी, मुश्किलें फिर भी आएंगी, दिक्कतें फिर भी आएंगे, सवाल ये है, पर यकीन जानिए दोस्तों वो आपके सामने बौनी पड़ती चली जाएंगी, वो आपके सामने छोटी पड़ती चली जाएंगी। अच्छा आपको मालूम है दूसरा मेरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, मेहनत तो करनी पड़ेगी। कई बार पता हम मस्ती, अभी मुझे भी उस बात का बड़ा मतलब मैं अफसोस भी कर रहा था कि एक ऐसे गांव जिसके उदाहरण दिए जाते हैं, अगर हालात यहाँ बदल रहे हैं तो हमें उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हमें समझना पड़ेगा। दोस्तों एक बात बता रहा हूँ, उस हर बच्चे को बात बता रहा हूँ जिसको लगता है पढ़ाई में और कामयाबी में बहुत मेहनत है, उसके लिए मैं बता दूँ नाकामयाबी में 10 गुना मेहनत है। कामयाबी से ज़्यादा मेहनत पता किस में लगती है? आप एक डीएम से जाके पूछना, फिरोज भाई से जाके पूछना कि एसीपी बनने में ज़्यादा मेहनत लगी है, और फिर किसी बस के कंडक्टर से जाके पूछना, किसी एटीएम के गार्ड से जाके पूछना कि तुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि इस काम में ज़्यादा मेहनत है। उन्हें 50 साल मेहनत करनी पड़ी, इन्हें 5 साल मेहनत करनी पड़ी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको मेहनत के बगैर काम नहीं चल सकता। आपको बस इतना तय करना है कि आप किस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा कई बार बच्चों को लगता है कि हम तो जिंदगी में जी मजे लेंगे, हम तो लाइफ को एंजॉय करेंगे, मैं कहता हूं बिल्कुल करिए, मैंने कब मना किया है? कई बार बच्चों को लगता है, 2 पॉइंट बताता हूं, 2-3 उदाहरण देता हूं, आप समझने की कोशिश, और ऐसा नहीं है हमने मेहनत नहीं करी, सही बताऊं हमने मेहनत से बचने में सबसे ज्यादा मेहनत करी है, मेहनत से बचने में सबसे ज्यादा मेहनत करी है। मेरा गांव है चिरोड़ी और मैं पढ़ा करता था भाई सर रटोल, मैने 10th करी रटोल से, रटोल है 10 किलोमीटर दूर मेरे गांव से, हम साइकिल से आया करते थे, साइकिल चला के वापस आया करते थे, तो आके पढ़ाई करनी पड़ती थी भाई जी, तो मैं सोचता था पढ़ाई से कैसे बचे, तो मैं मम्मी से कह कर रहे मम्मी मैं न्यार लिया हूं खेत पे से, तो मम्मी कह कर लिया 2.5 किलोमीटर खेत,
मैं वहां जाऊं, ज्वार की गडुल्ली काटूं, ज्वार की गडुल्ली सड़क तक लाऊं सिर पे ठा के, फिर साइकिल पे लाऊं, साइकिल से घर लाऊं, फिर गंडासे में गहरा में काटूं, और मन में क्या सोच रहा हूं, मेहनत ना करी। बाद में मुझे समझ में आई तो मजदूरी कर ली दिखे यार, इससे बढ़िया तो बैठ के धीरज भाई पढ़ ही लेते तो मगा में कुछ बनता जाता। और एक और ध्यान रखियो।